दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय एटर्नल यूनिवर्सिटी बडू साहिब सिरमौर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। 19 मई को हिमाचल में मतदान होना है। चुनावों को लेकर युवा कांग्रेस न्याय योजना को लेकर घर घर जा रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीपी श्रीनिवास ने कहा कि युवा कांग्रेस देश भर में राहुल गांधी की न्याय योजना को लेकर जनता के बीच जा रही है और मोदी सरकार में बड़ी बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी ने 100 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय मोदी सरकार ने जीएसटी लागू कर रोजगार छीनकर बेरोजगार कर दिया है और अब इन चुनावों में ना तो रोजगार और ना ही महंगाई की बात बीजेपी और मोदी कर रहे हैं। इसी के चलते युवा कांग्रेस ने राजीव भवन से लेकर शिमला के माल रोड तक रोड शो किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमने ये न्याय के स्कीम के बारे में सब गरीब और नौजवान महिला सबको तक लेके जाने का काम हमने कर लिया। जो हब होगा न्याय, जो पिछले सरकार ने जुमला के ऊपर जुमला, प्रॉमिस के ऊपर प्रॉमिस, इतने बड़े बड़े लेवल पे इन लोग ने वादा किया, एक भी पूरा नहीं कर पाए। उनको पूछिए जाके, एक कोई उन लोग ने जो मैनिफेस्टो में जो बोला था, आज तक एक भी नहीं कर पाया। कालाधन के बारे में बात किया था, कालाधन आया नहीं है किसी को, 15 लाख नहीं मिला किसी को, 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, उसके बारे में आज तक इनके पूछिए, नौकरी देने का दूर की बात है। जो नोटबंदी जीएसटी के वजह से कम 5 करोड़ परिवार रास्ते पे सड़क पे है आज, उनके बारे में इन लोगों को सोचने को कुछ नहीं है। जो और बेटी बढ़ाओ बेची बेटी बचाओ इनका नारा था, उसको खुद इनका बीजेपी नेता लोग ने बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, सब पूरा देश देख चुका है। इसको नारा भी बदलना है, बेटी पढ़ाओ बेटी को बीजेपी नेता से बचा के रखना है। अब होगा न्याय। हमेशा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो वादा करता है वो पूरा करता है। जो अभी घर परिवार, जो इंदिरा जी के बाद गरीबी हटाने के जो उस कार्यक्रम के बाद अभी 20% लोग जो गरीब लोग हैं उनको जो जीएसटी और नोटबंदी से और ज़्यादा उन लोग को जो प्रॉब्लम आ चुका है, कुछ इकोनॉमिस्ट से बात करके, कुछ वरिष्ठ लोग से बात करके राहुल गांधी जी ने महीने में 6,000, साल में 72,000 देने का काम 5 साल तक ये कांग्रेस पार्टी आ गया तो करेगा। और इन लोग ने ये काम किया, छोटे छोटे बिजनेस को पूरा ख़त्म कर दिया था। उसके लिए राहुल गांधी जी ने खुले बोल दिया, पूरा देश में कोई छोटा बिजनेस करना उसके लिए कोई परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और किसानों के लिए सब पहली बार ऐसा जो मंडन होगा, जो इस बार किसानों का भी मंडन करने का काम राहुल गांधी, वो क्या लगता है हिमाचल में इस बार चारों चार सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा? आपको देखते रहना, 23 तारीख को पता चलेगा। इन लोग ने इतना पैसा लगाना, इतना जानबूझ के ड्रामा करना ये कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। लोग जनता, हिमाचल का जनता लोग ने तय कर चुका है और नौजवान ने, सबसे ज़्यादा नौजवान चढ़ बढ़ के वोट डालने के लिए इस बार तैयार है। और हिमाचल को, नौजवान को इन लोग ने क्या दिया? पूरा प्रदेश में नशा का मामला इन लोग ने बिगाड़ के रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लंदन का जो इनका जो एक पत्रिका है उसमें भी आया, पंजाब के बाद कोई है स्टेट नशे में ज़्यादा जो नौजवान परसेंटेज लोग उसके पीछे गया है, वो हिमाचल का नाम आया। बीजेपी सरकार का यही एक इन लोग ने दिया है प्रदेश को, अब होगा नहीं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट। एटर्नल यूनिवर्सिटी बडू साहिब सिरमौर एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए आए बडू साहिब। छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व मैथमेटिक्स, पंजाबी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, संगीत, लाइब्रेरी साइंसेज, ICT व IT सहित BEd और नर्सिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की शिक्षा। सभी खर्चों सहित सालाना फीस अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम। कैंपस प्लेसमेंट में अग्रणी कंपनियों में छात्राओं को 6 लाख तक का पैकेज प्राप्त, साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए अनुबंध। एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर 70% से अधिक प्राप्त अंकों पर स्कॉलरशिप। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें।